मेरे पास एक गाड़ी है, ये FZ की गाड़ी है, इसके अंदर काम कराया हुआ है इंजन का। ये किसी भाई की गाड़ी है, हमारे कस्टमर की गाड़ी। तो इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और फटाफट से खोलने के बाद ओके करते हैं और बताएंगे इसमें क्या खराब है, हमने क्या डाला, कैसे किया, किस तरीके से किया। ठीक है, फटाफट से इसको खोलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे के प्रोसेस। लाल जो है ये बोल्ट हमारे खुल रहे हैं, कोई नहीं, खोल लूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1, 2, 3, 4 एलंकी वाले सारे बोल्ट इसके खोलेंगे फटाफट से, इसका अपर कवर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठंड का टाइम है, हाथ सुन्न हो गए हैं, थोड़े से हार्ड हार्ड बोल्ट है तो इसमें गन काम नहीं करेगी। फटाफट से हम इसको एलंकी से खोलते हैं। ओके, तो फटाफट मिलते हैं अपर कवर खोलने के बाद आपसे। बोल्ट सारे निकल चुके हैं भाई, फटाफट से इसको खोल लेते हैं। और ये हमारा अपर कवर निकल चुका है, क्या बात है, ये अपर कवर निकल गया इसका भाई। ठीक है, अब इसके अंदर का जो हम देख रहे हैं सिस्टम आगे का अंदर का, तो भाई कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इंजन अंदर से बहुत ज़्यादा साफ़ और एकदम नीट एंड क्लीन है, बट हम इसके इंजन को खोल रहे हैं तो यकीन मानो यार, मुझे जब कोई इंजन खुलना पड़ता है ना, या मेरे पास कोई इंजन आता है गाड़ी के लिए, तो उसको दिल से काम करते हैं, यामा का जन्म सामान डालते हैं, बढ़िया तरीके से काम करने के बाद, बढ़िया परफेक्ट करने के बाद कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देते हैं। बकायदा कस्टमर जब तक ये ना बोलते कि भाई मज़ा नहीं आया, जब तक हम संतुष्ट हो ही नहीं पाते। हम खुद ही बोलते हैं कि भाई रुक जाओ, पहले हम संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद आप संतुष्ट हो लेना। ठीक है भाई, तो फटाफट से 4 बोल्ट खोलते हैं और आपको आगे मिलते हैं। तो भाई बोल्ट जो है खुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट टाइट बोल्ट है भाई, वाकई में बहुत ज़्यादा सही लग रहा है मुझे इंजन खोलने में। तो इस वक्त हम खोल रहे हैं 5 के एलंकी का बोल्ट, 2 बोल्ट होते हैं इसके अंदर, एक इधर, और उसके बाद 4 बोल्ट खोलेंगे वाले 4 बोल्ट। उसके बाद हम खोलेंगे हमारा टाइमिंग प्लेट का बोल्ट 8-12 नंबर का। और ये टाइमिंग प्लेट का जब आप बोल्ट खोलते हो तो आपको याद रखना है, ये वाला एडजस्टर आपको नहीं खोलना है, टाइमिंग चेन को खुलने के बाद आपको एडजस्टर वाला खोलना होता है, ताकि हमारी टाइमिंग चेन का बोल्ट प्रॉपरली खुल जाए। तो अब हमने लगा दी है गन, और ये तो भाई ये हो गई गन तैयार, जूम, ये देखो भाई गन का कमाल, ये है गन का कमाल भाई, ये होता है गन का, पैसा खर्च किया भाई पैसा। तो भाई ये हमने डाल दिया बोल्ट इसमें, 12 नंबर का बोल्ट था, बहुत जल्दी खुल गया है। अब हम खोलेंगे ऊपर के 12 नंबर के 4 बोल्ट ये वाला। ओके, तो फटाफट से इसको बोल्ट को खोलते हैं। तो भाई देखो फटाफट से गन खुल जाएगा, ये भाई सब क्या पावर है, देख रहे भाई ये है पावर, हाय हाय, इसमें ना छैनी लगेगी ना हथौड़ी लगेगी, केवल ना पिटकरी ना कुछ है ना, ऐसी डालोगे कौन सा डालोगे, यही डालोगे मेरे ख्याल से। तो भाई ना हल्दी ना पिटकरी, तुरंत काम हो जाएगा भाई। तो ये है हमारा काम। सर बारिश पड़ी नहीं है, मैं आपके पास कल आ जाऊँ? हाँ बिल्कुल, ज़रूर आ जाओ भाई, ज़रूर आ जाओ, मैसेज आया था। तो भाई ये जो हमारा हेड है निकल चुका है, इसके स्टेट निकल चुके हैं, 2 स्टेट हमने खोल लिए हैं, ये इस तरीके से हमने स्टेट को खोल दिया है 5 नंबर के लेंगे वाले। और ये जो वाल की आप हालत देख रहे हो यार, क्या वाल की हालत है भाई, देखो इंजन की परफॉर्मेंस बेशक अंदर से बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, बट इसके वाल के अंदर देखो कितना ज़्यादा मॉइस्चर आ रखा है। ये मॉइस्चर एक्चुअली में इंजन ऑयल है, और ये इंजन ऑयल कहाँ से था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा पिस्टन आप देख रहे हो, इसके ऊपर आप गीलापन देख रहे हो। कभी भी अगर आप हेड सिलेंडर खोल रहे हो और आपको पता लगाना है कि आपकी गाड़ी में पिस्टन ऑयल उठा रहा है नहीं उठा रहा, तो पिस्टन के ऊपर गीलापन नहीं होना चाहिए। और ये जो हेड आप देख रहे हो, इस हेड के ऊपर यहाँ पर ये गीलापन नहीं होना चाहिए, गीलापन अगर होगा तो आपकी गाड़ी में पिस्टन की प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ये जो देख रहे हो आप भाई, काफ़ी ज़्यादा जो है इसका पिस्टन घिसा हुआ, बट इससे फ़र्क नहीं होता, मेन होती है इसकी रिंग का गैप घिस जाता है, रिंग के गैप में बढ़ जाता है और पिस्टन लूज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में दिक्कत आ जाती है पिस्टन ऑयल उठाने की। तो इसका रिंग का लॉक खोल दिए, पिस्टन का लॉक खोलते हैं और दिखाते हैं आगे का प्रोसेस आपको, अगर आपको लगता है प्रेशर हो इस काम में। तो भाई ये जो है हमारा पिस्टन निकल चुका है बाहर। अगर आपको एक बार बता दूं, अगर आपको लगता है पहली बार गाड़ी का पिस्टन खोल रहे हो, ऐसा कुछ खोल रहे हो, तो आपको कभी भी लॉक निकालने से पहले यहाँ नीचे कपड़ा जरूर रखना है। कपड़ा रखने से क्या होता है, लॉक नीचे गिरता नहीं है, मैं काफ़ी वीडियो में बताया, बाकी अभी भी बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और पिस्टन फिट करते समय यहाँ जो आप हॉल देख रहे हो छोटा वाला, इस हॉल के अंदर क्लीनिंग रहनी चाहिए, ताकि इसमें ऑयल ऊपर जाता है, नीचे से ऑयल ऊपर जाता है हेड में, ठीक है, ऑयल पंप के द्वारा। तो अब इसी क्रैंक को हम देख लेते हैं, क्रैंक के अंदर जो है काफ़ी प्ले है, देखो जैसे कि ये जो काफ़ी देख रहे हो भाई साहब, काफ़ी प्ले है। तो इस पिस्टन के अंदर जो दिक्कत आई है, क्रैंक का बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नेट खोल के इसकी डायमेंशन बाहर निकाल दें, ताकि जब इसकी क्रैंक घूमे तो उसकी डायमेंशन जो मुड़ के टूट ना जाए, कोई ऐसा कुछ उसमें हानि ना पहुंचे, ठीक है। तो फटाफट से इसका मैग्नेट खोलते हैं और इसका इंजन खोलते हैं प्रॉपर तरीके से भाई, तेजी से नट नट खोल रहे हैं। तो गन का यही फायदा होता है यार, देखो गन अगर है प्रॉपर काम होता है। अब काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं भाई जिनके पास पैसा नहीं है गन लेने के लिए, वो क्या करें? तो भाई मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी बात, आप महीने का इतना तो कमाई लेते होगे, अगर आपकी एक दुकान है तो आप गन ले सकते हो, छोटी सी 12-12.5 हज़ार की गन आती है, सब हो जाता है मैनेज, ठीक है भाई। दुकानदारी को सबसे बढ़िया रखो, काम बढ़िया होगा, सिंपल सी बात है। कभी भी चैम्बर को आप बाहर निकाल रहे हो, कभी भी चैम्बर हथौड़ा मार रहे हो, तो आपको प्लास्टिक हथौड़ा यूज़ करना है, ताकि इसमें निशान स्क्रैच वगैरह ना आ जाए। तो ये हमारा मैग्नेट जो है बाहर निकल चुका है, मैग्नेट कवर, और इस मैग्नेट कवर को हम इस साइड रखेंगे तरीके से। कोई भी सामान अगर आप रख रहे हो तो आपको छोटा छोटा सामान इस तरीके से रखना है, ताकि आपका सामान खोए ना, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इससे क्या होता है सामान की इज्जत बनी रहती है, कस्टमर भी देखता है हाँ यार काम बढ़िया तरीके से हो रहा है।
तो ये जो है हमारा, यहाँ पे हमारी एक वार्सल निकली छोटी सी, वार्सल साइड में रख दी है। अब इसका मैग्नेट खोलेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेट का नट खुलेगा आएंगे। ये 19 का नहीं होता, याद रखना, इसका नट लगाओगे तो स्लिप करेगा, तो 17 का लगाना है आपको। तो ये 17 का नट है, बहुत सही तरीके से खुल गया है, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके पास गन नहीं है तो आप इसका मैग्नेट का नट जो है आप अपने उसमें खोल लो, इंजन में लगे लगे, मतलब गाड़ी के चेचिस में लगे लगे खोल लो, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। गाड़ी मत खोलो, गाड़ी मत करो, बस की नहीं। अच्छा, हाँ ये बात भी सही है, अगर आपके पास औजार ही नहीं तो गाड़ी मत करो भाई, भाई मत खोलो, बस सही है, थोड़ा मत मारो यार, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जुड़वा लो, एक हाथ मेरे पास है नहीं क्योंकि फोन पकड़ रखा है मैंने, ठीक है। तो फटाफट से आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, इसका मैग्नेट जो है खोलते हैं और आगे निकालते हैं। मैग्नेट पूरा आपके पास होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर हथौड़ा या वगैरह वगैरह ये सब मत मारना, इससे क्या होता है आपकी गाड़ी का मैग्नेट चटक जाता है। स्प्लेंडर का लगता है, इसमें सुपर स्प्लेंडर वाला मैग्नेट पूरा लगता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फटाफट से मैग्नेट खोल के आपको आगे मिलते हैं। तो भाई मैग्नेट खुल गया, इंजन से अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसको फिट करने में बहुत ही मज़ा आएगा, धुलने में बहुत ही मज़ा आएगा, इंजन धुलने में वाकई में बहुत मज़ा आएगा। छोटू मज़ा आएगा धुलने में, इंजन बहुत ज़्यादा मज़ा है। चलो ठीक है भाई, इंजन धुलने में छोटू को ही मज़ा आएगा। तो भाई आगे से फटाफट से जितना भी मज़ा है उसके साथ साथ सबसे पहले से खोल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आगे का मज़ा। तो भाई ये जो हमारे नट हैं 8 नंबर के खुल रहे हैं, पत्ती वाले नट, और एक और नट है खुल रहा है हमारा नट, ये हमारा खुल गया नट। तो ये नट को खुलने से पहले आपको ध्यान रखना, नीचे अगर आपको लगता है पहली बार इंजन खोल रहे हो तो आपको इसके नीचे कपड़ा रख लेना है। वैसे इंजन अगर पूरा खोल रहे हो आप तो ज़रूरी नहीं है कपड़ा रखना, ठीक है। तो फटाफट से इसका टाइमिंग को बाहर निकालते हैं, उसका गाइड खोलते हैं 10 नंबर के बोल्ट से, और उसके अलावा इसका क्लच खोल के इसका मेन चैम्बर बाहर निकालते हैं। मैग्नेट कवर, सॉरी क्लच कवर खुलने वाला है, मैग्नेट कवर तो खुल गया है, क्लच कवर खुल रहा है। ये थोड़ा जाम है, इसकी पिंडावल जो है जाम हो जाती है पानी लगने की वजह से, तो इसका क्लच कवर जो है खुल चुका है। इसमें चोट क्यों मारनी पड़ी मैं आपको बता देता हूँ उसका रीज़न। देखो ये जो आप पिंडावल देख रहे हो, इस पिंडावल के अंदर देखो जंग लगी हुई है, ये जो पिंडावल है इस वाले फेस में, इस वाले फेस में जम जाती है, जिसकी वजह से हमें चोट मारनी पड़ती है थोड़ी सी, पर प्लास्टिक के हथौड़े से चोट मारनी है, याद रखना। थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं होगी चोट मारने में, आपके चैम्बर में परेशानी नहीं होगी, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से इसके 4 बोल्ट खोलते हैं तेजी से। तो ये जो है बोल्ट चारों खोल लिए हैं, और उसके बाद अब हम निकालेंगे इसका क्लच का सेंटर। तो क्लच सेंटर निकालने के लिए आपको सबसे पहले प्लास लेना है, और इसके लिए आपको एक सेंटर बाहर निकालना है। पर एक चीज़ याद रखनी है आपको, क्लच सेंटर निकालने के बाद आपको एक गोली मिलेगी जिसको हम बोलते हैं छोटी सी बॉल, वो जो इसके अंदर पड़ी रहती है, इसके अंदर होती है। तो भाई इसकी क्लच सेंटर के अलावा इसकी जो क्लच हब होता है ये भी बहुत बुरी तरह कटा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो सामने, इसमें लाइन पड़ी है, बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम इसका जो एक जो छोटी सी गोली थी वो निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा मैग्नेट पेचकस है, और इसके अंदर डाल के हम इसकी गोली निकालेंगे। गोली देखो, इसके बिना क्लच की सेटिंग कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। ये गोली लगाना, ये जो गोली है बहुत छोटी सी गोली है, ये दोबारा पकड़ ली हमने, और ये देखो ये रही गोली। ये गोली हमेशा आपको क्लच में मिलेगी यामा की ज़्यादातर गाड़ियों में, ठीक है। टीवीएस की गाड़ियों में भी ज़्यादातर आपको मिल जाएगी गोली है, पर इससे छोटी होती है उसमें, ठीक है। तो हम इसको साइड में रखते हैं, और इसका 19 नंबर का बोल्ट खोलते हैं फटाफट से। इसकी पत्ती लॉक हो रखी है, इस पत्ती को हटाएंगे, साइड में करेंगे, इस पत्ती को साइड में करेंगे, 19 नंबर का बोल्ट खोलते हैं और आपको आपके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हल्की सी चोट आपको मारनी पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, पर ज़्यादा तेज चोट नहीं मारनी जिसकी वजह से पत्ती टूट जाए। हल्की चोट मार के 19 नंबर के बोल्ट से खोल लेना। कैसे खोलते हैं आपको, बंदे ने क्लच पर डाली, पर क्लच होजिंग के अंदर निशान बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, क्लच होजिंग के अंदर प्रॉब्लम है, और हब बिल्कुल कटा पड़ा है। ये देखो हब जो है बहुत बुरी तरह कटा हुआ है, ये देखो ये निशान आप देख रहे हो, ये वाले निशान, ये बहुत ही ज़्यादा निशान है, मतलब बहुत ज़्यादा, इसमें एक बाल बराबर में निशान नहीं होता यहाँ पर। और इसकी होजिंग की हालत देखो यार, इसकी होजिंग की तो हालत बहुत बुरी हालत हो रखी है। अब काफ़ी सारे भाई लोग, महान लोग कमेंट करके बोलेंगे भाई ये होजिंग तो ऐसे ही रहता है, भाई ऐसा नहीं रहता है, एक बात बता देता हूँ आपको छोटी सी, ओके। तो इसकी वासल को अलग करेंगे, यहाँ से निकाल दिया हमने वासल, और उसके अलावा हम ये जितनी भी गरारियां हम देख रहे हो, इसका इंजन हमें खोलना है, क्रैंक बाहर निकालने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बोल्ट खोलना पड़ेगा, ये बोल्ट खोलना पड़ेगा, इसके बोल्ट खोलने पड़ेंगे 3 नंबर के, तो इसके अंदर ये लॉक निकालना पड़ेगा, किक बाहर निकालनी पड़ेगी, गियर लीवर बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा कंप्लीट काम करने के बाद आपसे आगे मिलते हैं। तो भाइयों क्लच का सामान हमने कंप्लीट खोल लिया है, और इसके फटाफट से इसकी गरारी वरारी भी निकाल देंगे बाद में। तो अभी फिलहाल राइट नाउ हम क्या करेंगे, इसका सेल्फ हमने बाहर निकाल दिया है, इसके मेन चैम्बर के बोल्ट खोल के इसके मेन चैम्बर को अलग करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो हमारा चैम्बर जो है कंप्लीट बाहर आ चुका है, और ये है हमारी क्रैंक असेंबली, कंप्लीट क्रैंक, हमारा बैलेंसर गियर। तो इसको अभी फिलहाल हम साइड में रखते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी जो क्रैंक की जो एक आपने देखा होगा गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स के अंदर सिलेक्टर होते हैं, और इसकी सिलेक्टर की पिन है, इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, ओके। तो हम इसको साइड में रखते हैं, ये हमारे सिलेक्टर हैं, ये
ज़्यादातर गाड़ियों में गेयर बॉक्सों के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ हीरो की गाड़ियों में गेयर बॉक्स में प्रॉब्लम आती है, सिलेक्टर कट जाते हैं या फिर गेयर की गरारियां कट जाती हैं ज़्यादातर गाड़ियों की। हीरो की बात कर रहा हूँ मैं, हीरो स्प्लेंडर पैशन वगैरह में सबसे ज़्यादा गेयर बॉक्स कटते हैं सबसे ज़्यादा। और अगर किस गाड़ी में नहीं कटते हैं, सबसे कम जो गाड़ियां होती हैं उनमें कटते हैं, टीवीएस की अपाचे हो गई, यामा की एफजेड हो गई, इन सब गाड़ियों में कभी भी गेयर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर कोई चोट चाट मारे हथेनी थोड़े वाला काम करे तो हो सकता है साफ्ट वगैरह टेढ़ी हो जाए, बैंड हो जाए, पर वैसे जनरली कभी दिक्कत कभी नहीं आती है। तो अभी हम क्या करेंगे, हाँ एफजेड में आती है तो ये वाली शाफ्ट जो है, ये वाली शाफ्ट जो आप देख रहे हो, ये वाली, ये शाफ्ट काफ़ी ज़्यादा कमजोर देने लगी थी बीच में गाड़ियाँ में, आपने शायद नोटिस किया होगा, आगे वाला सॉफ्ट स्पॉकेट जो है घूमने लग गया था, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, देखते हैं आगे जाके। अभी तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी हाल फिलहाल में। तो ज़्यादातर गाड़ियों में इंजन खोलने पर क्रैंक की पूरी कंप्लीट असेंबली डलती है, ये जो क्रैंक है इसकी पूरी कंप्लीट असेंबली डलती है, ये हो गया, ये बीच की पिन हो गई, साइड के दो बैरिंग हो गए, इसका बैरिंग हो गया, माना बैलेंसर गियर का बैरिंग हो गया, ठीक है। अब इंजन के अंदर अब बात करते हैं हेड को लेकर, तो हेड के अंदर दोनों वाल डलते हैं, वाल के गाइड हो गए, स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग तो ऐसी चीज़ है अगर हाफ इंजन हो या फुल इंजन हो, स्पार्क प्लग डलेगा ही डलेगा, चाहे वो बंदे ने दो दिन पहले ही नया क्यों ना डलवाया हो, क्योंकि स्पार्क प्लग में ऑयल अगर खा लेता है तो स्पार्क प्लग की स्थिति जो है कमजोर हो जाती है, एक मजबूती कम हो जाती है। वाल, वाल सील, वाल गाइड, वाल ग्रैंड वगैरह का काम होगा इसके अंदर, क्लच होजिंग के अंदर देखना पड़ेगा, अगर नया डालने वाली होगी तो नया डाल देंगे, रिपेयर वाला तो रिपेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल पंप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, टाइमिंग चेन नहीं डालनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है इंजन का काम करा रहे हो, टाइमिंग चेन ठीक है या अपने क्लच पड़े भी ठीक है, फिर भी आप कोशिश करो नहीं डालने की, क्योंकि इंजन और मैं टाइमिंग चेन और क्लच पड़े की जो परफॉर्मेंस अच्छी अच्छी आनी चाहिए, बस परफेक्ट आनी चाहिए, तो क्लच पेट और टाइमिंग चेन नहीं डाल देंगे, असेंबली पूरी ऑयल सील किट डालेंगे, और उसके अलावा जो इसकी पैकिंग होती है वो कंप्लीट नहीं डाल देंगे, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे जो चीज़ें होती है जैसे बैलेंसर गियर की बैरिंग हो गए, चैम्बर के बैरिंग हो गए, ओके उसकी वो सब चीज़ें नहीं डाल देंगे, ओके। अपना ये हेड अपना खोलते हैं और केम साफ्ट के बैरिंग चेक करते हैं, रॉकर चेक करते हैं, रॉकर के अंदर कोई कमी हुई तो रॉकर भी नहीं डाल देंगे, केम साफ्ट के बैरिंग में अगर कोई कमी हुई तो केम साफ्ट के बैरिंग भी नहीं डाल देंगे, ओके। तो फटाफट से आगे के प्रोसेस पे देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगर बनाएंगे इसकी फिट करने की तो देखते हैं। अगर आपको लगे, अगर आप इंस्टा पे फॉलो कर लोगे, इंस्टा पे फॉलो कर लोगे और मुझे बताओगे इंस्टा पे फॉलो करके कि हाँ सर बनाइए वीडियो, क्योंकि यहाँ वहाँ पर भी मैंने एक इंट्रो वीडियो डाली है, तो देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या, ठीक है। तो वहाँ पर फॉलो कर लेना इंस्टा पे।